वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ के बिहेवियर बुक के आपके पोइट्री पार्ट के स्टेंजा के जो आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे उनकी हम आपके लिए शानदार ट्रिक लेकर आए हैं, जो कि आपकी जो लाइंस दी जाएगी उन्हीं में से आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स बनाकर आएंगे, अगर आप इस ट्रिक को ध्यान से समझ लेते हैं तो। ये आपके विंड पोएम से हमने आपके फोर लाइन्स ली है और आपकी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दो क्वेश्चन आएंगे लेकिन मैंने इसमें से चार बनते तो चार ले लिए हैं, आपके एग्जाम में दो आएंगे, सिलेबस में दो दिए हुए हैं लेकिन मैंने चार लिए हैं क्योंकि अधिकतम चार क्वेश्चंस इसमें से बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट से टू द विंड, यानी कवि हवा से क्या कहता है। बस आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, व्हाट का मतलब होता है क्या, कवि क्या से यानी कहना, विंड यानी हवा। अब विंड आपको कहाँ नजर आ रही है यहाँ पर, तो देखिए ट्रिक, जो एग्जामिनर को ये भी पता नहीं लगेगा कि इसको कुछ नहीं आता है क्योंकि आपका आंसर इतना बढ़िया बनेगा। सबसे पहले तो क्या कहा है ये हटाएंगे, तो ये वर्ड तो हमने हटा दिया। डज है, डज हेल्पिंग वर्ब है, तो ये कहाँ चला जाएगा वर्ब में, कहाँ चला जाएगा वर्ब में, ठीक है, यानी ये भी फ्री हो गया, ये दो हट गए। अब हमारा आंसर क्या बना, द पोएट से टू द विंड, प्रश्नवाचक चिन्ह हमने हटा दिया, यानी ये आंसर आपका क्या बना, यहां मैं लिखता हूं द पोइट। ध्यान से समझ लेना, जिंदगी में कहीं पर भी नहीं मिलेगा इतना सिंपल तरीका जो आपको यहां मिला है। द पोइट डज इट एसेज टू द, अब क्या मिला, विंड। जैसे हम पेसेज में करते हैं विंड मिल गया, ये विंड मिल गया, विंड से क्या बोला, कम सॉफ्टली, धीरे चलने के लिए। अगर आप इतना सा भी लिख देते हैं तो आपका आंसर बन गया टू द विंड से विंड मिल गया। देखो ये विंड, ये विंड, टू द विंड क्या कहा, कम सॉफ्टली, धीरे चलिए, ये हवा है पवन, धीरे चलिए, आंसर कंप्लीट। इससे सिंपल क्या होगा। सेकंड देखते हैं, हाउ डज द पोइट आस्क द विंड टू ब्लो, कवि हवा से यहाँ पूछा था क्या कहता है, यहाँ पूछ रहा है कैसे चलने के लिए कह रहा है, ठीक है, और ये डज है तो द पोइट हाउ तो हटेगा, ठीक है, जिसे वॉट हटाया, डज कहाँ जाएगा वर्ब में, ये आ गया द पोइट आस्क द विंड टू ब्लो, टू ब्लो, ये आंसर कैसे लिखेंगे, द पोइट आस्क द विंड टू ब्लो, वैसा का वैसा यहाँ पर हमने लिख दिया, द पोइट asks, ये देखिए द विंड टू ब्लो, अब यहां पर कम लिखा हुआ था, कम की जगह इसने ब्लो दे दिया, तो क्या बचा हमारे पास, केवल ब्लो का मतलब भी होता है सॉफ्टली, धीरे चलने के लिए, धीरे चलो, ये आपका आंसर। नंबर थ्री, वॉट आर थ्री थिंग्स दैट द विंड डज, वो कौन सी तीन चीजें हैं जो कि पवन करती है, तीन चीजें, वन टू थ्री, यानी एक तो वो खिड़कियों के शटर्स को तोड़ देती है, कागजों को बिखेर देती है और सेल्फ पर रखी हुई पुस्तकों को थ्रो डाउन, नीचे गिरा देती है, तीन चीजें हो गई। आंसर कैसे लिखेंगे ध्यान से समझ लेना, ये वोट है ना, इस वोट को तो हमने हटाना ही है, द थ्री थिंग्स, ध्यान देना, द थ्री थिंग्स डेट द विंड डज, और इसको हटाकर ये आर, ये आर यहां से जाएगा सीधा इस जगह पर, यानी कि आंसर लिखने का तरीका है ये, द थ्री, यहां पर हमने द थ्री लिखा, द थ्री, इसको वापस सही से लिख देते हैं, द थ्री थिंग्स, थिंग्स डेट द विंड डज, ये हमने लिख दिया, द थ्री थिंग्स डेट द विंड डज, ये तो क्वेश्चन में से लिखा ना। अब ये जो ये कर रहा है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इनको उड़ा दो, क्योंकि ये तो करा ऐसा मत करो, यानी कि वो ऐसा कर रही है, तो एक तो पहली तो होगी विंड क्या है, इट, ये क्या करती है, ब्रेक, सिंपल में बनाएंगे ना, डज वाला है सिंपल, देखिए यहां पर प्रेजेंट वाला है, इट ब्रेक के लगा दो एस, इट ब्रेक्स, ये तोड़ देती है द शटर्स ऑफ द विंडोज, एक तो ये लिख दो, इट स्केटर्स या एस लगा देना, स्केटर्स द पेपर्स, एक ये लिख दो, जैसे यहां विंड के ब्रेक्स लगाया, ब्रेक्स वाली पूरी लिख दो,
फिर स्केटर वाली लिख दो, ये यहाँ पर स्केटर्स, यहाँ पर एस लगा देना स्केटर्स, ये पूरी लिख दो पूरा पेपर्स। फिर ये थ्रोज डाउन, तो ये थ्रो के एस लगा दो थ्रोज, यहाँ स्केटर्स के बाद में यहाँ तक लिखा, फिर यहाँ से लिख दिया थ्रोज, थ्रोज डाउन पूरा लिख दो। ये तीनों चीज़ें हो गई, ठीक है। नंबर फोर, व्हाट डिस्ट्रक्शन डज द विंड कोज टू द पोइट्स बिलोंगिंग्स, यानी कि पवन कवि के जो भी बिलोंगिंग्स हैं, जो भी उसके पास चीज़ें हैं, उनका कैसे डिस्ट्रक्शन विनाश कर देती है। तो ये जो तीन चीज़ें कर रही है, ये यही आंसर इसमें आएगा। लेकिन मैं उन बच्चों को जो इसका मीनिंग नहीं जानते कि डिस्ट्रक्शन क्या होता है, लेकिन वो विंड तो जानते हैं, विंड यहाँ आ रही है, विंड तो जानते हैं, पोइट की, अब पोइट की जो भी चीज़ें हैं वो सब पोइट्स, काके की का एस लगा हुआ है तो पोइट्स, इतना सा भी जान जाएंगे कि हवा कवि के जो भी हैं, कवि के ये दो शब्द तो जान जाएंगे, विंड हवा, पोइट्स यानी कवि के, और व्हाट यानी क्या, यानी हवा कवि के साथ क्या करती है, इतना तो समझ जाएंगे। तो यही सेम आंसर, यही सेम आंसर इसमें आ जाएगा, द थ्री थिंग्स। और द थ्री थिंग्स भी याद नहीं आए तो आप तो ये याद रखिए, देखिए द विंड हवा क्या करती है, हवा क्या करती है, आंसर लिखोगे तो द विंड तो लिख दोगे, हवा क्या करती है पूछ रहा है, हवा क्या करती है, हवा क्या कर, द विंड कोजेज, यस हटाए, यस डज हटाएंगे ना, डज हटाएंगे तो यस लगेगा, अभी इसमें बताया सब में, द विंड कोजेज क्या करती है, अब लिख देना पूरा, द कोजेज टू द पोइट्स बिलोंगिंग्स, या द डिस्ट्रक्शन, या फिर ये से लिख सकते हो आप, द डिस्ट्रक्शन द विंड कोजेज, आप और ऐसे जैसे वॉट अभी हमने यहाँ पर लिखा था द थ्री थिंग्स वॉट, तो यहाँ पर वॉट हटा दो, द डिस्ट्रक्शन ज़्यादा बेटर ये बन जाएगा, द डिस्ट्रक्शन पूरा का पूरा डज हटा दो, द डिस्ट्रक्शन द विंड कोज केस लगा दो, कोजे टू द पोइट्स बिलोंगिंग्स, फिर डेट लगा कर लिख दो, इट ये क्या करती है, इट ब्रेक्स द शटर्स, इट स्केटर्स द पेपर्स, इट थ्रोस डाउन द, ठीक, यानी कि फिर समझा देता हूँ, वोट हटा दो यहाँ द लगा दो, द डिस्ट्रक्शन डज हटाया तो क्रिया में एस यहाँ चला गया, द डिस्ट्रक्शन द विंड कोजे टू द पोइट्स बिलोंगिंग्स क्या करती है, क्या विनाश करती है, करती है डेट इट की, ये क्या करती है, इट ब्रेक्स द शटर्स, इट स्केटर्स द पेपर्स, इट थ्रो डाउन, पूरा का पूरा ये हो जाएगा। कुल मिलाकर आप ये भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि जब कुछ नहीं आ रहा है तो फिर हम ग्रामर क्या लिख रहे हैं, वोकैबुलरी, बस आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी ऐसा नहीं होता कि एक एक चीज को कि यहाँ पर ये आर नहीं लिखा, इस नहीं लिखा, वो अलग बात है, आपने आंसर लिख दिया वो देखेगा बच्चे को आता है, उसको पता है ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, वो समझता है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर फिर भी आपके कोई किसी भी प्रकार की का कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए इसे और भी वीडियो बना देंगे। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।